नमस्कार, मैं साक्षी शर्मा, आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। मुंबई की सड़कों में दौड़ेगी शिवशाही की इलेक्ट्रिक बसें, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया लोकार्पण। मुंबई की 3 अलग अलग मार्गों पर शुरू हुई पर्यावरण के लिहाज से सुरक्षित 20 बसें। इलेक्ट्रिक बसों के शुरू होने के बाद बोले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, काशी नेरी की ई इलेक्ट्रॉनिक बसों के चलने से मुंबई की जनता को मिलेगा प्रदूषण मुक्त सफर। खनन माफिया पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने उठाया बड़ा कदम। महाराष्ट्र में आज से शुरू हुआ राज्य का पहला शासकीय बालू विक्री केंद्र अहमदनगर में। कैबिनेट मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल ने सरकारी बालू विक्री केंद्र का किया उद्घाटन। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई यूनिट ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का किया पर्दाफाश। 4.5 करोड़ की मेफेड्रोन ड्रग्स के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 36 लाख की नकदी और 7,80,000 का सोना किया बरामद। महाराष्ट्र के मुंबई में सिलेंडर फटने से हुआ बड़ा हादसा, 3 दुकानों में लगी आग। हादसे में 2 लोगों की घायल होने की खबर। पुणे सतारा रोड में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद मचा हड़कंप। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आई भारी गिरावट। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर 171.50 रुपए का किया सस्ता। मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर के लिए अब 1,980 रुपए की जगह देने होंगे 1,808 रुपए। महाराष्ट्र के पूर्व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे का गंभीर आरोप, कहा बीएमसी में हुआ 263 करोड़ के फर्नीचर का घोटाला। आयुक्त इकबाल चहल को पत्र लिखकर मांगा जवाब। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार ने मुंबई वासियों को दिया तोहफा। मुंबई मेट्रो में वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और 22 तक के छात्रों के लिए किराए में मिली 25% की छूट। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर बोला हमला। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का करीबी बताते हुए कहा पुलिस प्रोटेक्शन में रात में अय्याशी करते हैं मोहित कंबोज। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बीजेपी नेता नीलेश राणे के बयान पर करारा पलटवार। इन 24 न्यूज से बात करते हुए कहा राणे परिवार के 3 सदस्यों का मानसिक संतुलन है खराब। उदय गुट सांसद संजय राउत ने वीडियो ट्वीट कर किया बड़ा दावा। देर रात बार में बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने किया हंगामा। पुलिस पर भी हाथ उठाने का आरोप। कार्रवाई करने की उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की मांग। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे 6 मई को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जनसभा को करेंगे संबोधित। रत्नागिरी से क्या बोलेंगे राज ठाकरे, इस पर है समूचे राज्य की निगाहें। गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की हुई बैठक। सूत्रों के मुताबिक बीएमसी चुनाव सीएम शिंदे के नेतृत्व में लड़ने पर बनी सहमति। कृषि उत्पन्न बाजार समिति के 10 सीटों पर आज होगी चुनावी नतीजों की घोषणा। अब तक के नतीजों में महाविकास आघाड़ी ने 118 तो वहीं भाजपा शिवसेना गठबंधन को 77 जगहों पर मिली है जीत। ठाणे जिले के भिवंडी में बिल्डिंग गिरने से हुए हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 8। 42 घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 2 और शव हुए बरामद। रविवार तक बरामद किए गए थे 6 शव। उदयपुर सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा दिल्ली में सत्ता पर बैठे नेता मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की रच रहे हैं साजिश, लेकिन जब तक जिस्म में जान है तब तक मुंबई को नहीं होने देंगे अलग। बाला साहेब ठाकरे के विचारों को हमने जिंदा रखा, राज्य में बदलाव नहीं होता तो सारी शिवसेना हो जाती खत्म। कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने वाले दावे पर शिवसेना उद्धव गुट सांसद संजय राउत का बड़ा बयान, कहा अजीत पवार और जयंत पाटिल ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया मुख्यमंत्री बनने का दावा। राउत ने कहा भविष्य में महाविकास आघाड़ी का ही होगा मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने किया बड़ा दावा, कहा प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे शिवसेना के साथ तो एकनाथ शिंदे फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया संकल्प, कहा महाराष्ट्र की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक पहुंचा कर ही लेंगे दम। द केला स्टोरी फिल्म पर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने दी प्रतिक्रिया, कहा द कश्मीर फाइल जिस तरह एक प्रोपोगेंडा फिल्म थी उसी प्रकार इस फिल्म के जरिए चलाया जा रहा है प्रोपोगेंडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड पूरा होने पर उद्धव गुट सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा जनता के मन की बात नहीं एक पक्ष के मन की है बात।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए 3 इनामी नक्सली। तीनों पर 48 लाख का था इनाम। भारी मात्रा में हथियार बरामद। देश में कोरोना के मामलों में लगातार आ रही गिरावट। पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए 4,282 नए मामले। महाराष्ट्र में भी घटे कोरोना के केस। बारिश और बर्फबारी की वजह से बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा में आई रुकावट। श्रीनगर और गढ़वाल में रोका गया यात्रियों का जत्था। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुंबई समेत महाराष्ट्र के 25 बड़ी खबरों के लिए YouTube पर इन24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।